ओके सो 10 सोशल स्किल्स के बारे में बात हो रही थी, एम्बिशन, डिसिप्लिन, डिलीजेंस तक बात हो रही थी। अगला है मान लो सोशिएबल, तो सोशिएबल वर्ड कहीं नहीं आ रहा है, सोशल, सोशल इज कमिंग फ्रॉम सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी क्या है, मे बी अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, उसको हम क्या क्या लेते हैं, वी कॉल इट सोसाइटी। तो सोशिएबल का क्या मतलब, इनी केसेस कोई नहीं बोल रहा। चलो आई विल टेक अप एन एग्जांपल, जैसे सपोज आपकी अभिषेक सर टीचेस योर हिंदी एंड ही इज ऑल्सो द क्लास टीचर्स, द क्लास टीचर ऑफ वन ऑफ द सेक्शंस एंड एट्थ में मैथ्स का कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आई ओनली टेक जीके, ठीक है। तो मेरे और अभिषेक सर के इंटरेक्शन का कोई मामला बनता नहीं, हम लोग इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, इसका कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो मे भी एक साल हो गया है हमें यहां जॉब करते, एक साल तक हम उनसे नहीं बात करते, कोई भाई कॉमन ग्राउंड ही नहीं थे या कुछ ऐसा नहीं था, या कुछ उनसे हमारी मान लो टसल हो जाए, बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो होगा क्या, इट्स इवेंचुअली गोइंग टू अफेक्ट बोथ आर वर्किंग, हम दोनों की वर्किंग पे असर इसका पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। तो है क्या कि हम कभी भी लाइफ में कोई भी काम जो भी करते हैं वो सिर्फ वी कैन नॉट डू इट इंडिविजुअली, टोटली अपॉन आवर, हमें और लोगों की भी जरूरत पड़ती है। एवरी वन वी मीट हैज अ सर्टेन रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। सपोज अगर कोई आपका अनोइंग, जस्ट अ सेकेंड, यस, सपोज कोई अगर आपका अनोइंग रिलेटिव है जो हर बार आपसे आपकी पढ़ाई के बारे में पूछता रहता है, कीप्स इरिटेटिंग यू और क्या चल रहा है पढ़ाई चल रही, मे भी हो सकता है एक हफ्ते पहले भी आप उससे मिले हो और उसने वही बात पूछी हो, आपने सब बताया, बट फिर भी एक हफ्ते बाद में ये ऐसा पूछ रहा, ठीक है, या फिर यू हैव एन अनोइंग फ्रेंड या इस तरह से कुछ भी, तो आप सबसे झगड़ा करके नहीं रह सकते। वॉट यू हैव टू डू इज टू टेक आउट द पॉजिटिव फ्रॉम इट, ठीक है। तो अगर कुछ सिग्निफिकेंट आप अचीव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे दो तरह के मोटिवेशन हो सकते, एक कि हमें ये अचीव करना है इसलिए हम करें, दूसरा इसने बोला था ना कि ये मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं इसे कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो एक तरह से आप अवॉइड नहीं करेंगे उस रिलेटिव को या उस फ्रेंड को, आप इंटरेक्शन रखेंगे क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा आपकी सक्सेस, ही और शी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एंडेवर्स, वो अपना जो आपका एम है, एम्बिशन है, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट वन, लीडरशिप, लीडरशिप तो सबको पता होगा, रेज योर हैंड टू टेल मी समथिंग अबाउट लीडरशिप। अभिनव, यस सर, सर लीडरशिप इज समथिंग लाइक वी कैन टेक द लीड एंड वी कैन गाइड अ ग्रुप ऑफ पीपल। लीड, लीड क्या होगी मतलब, अभिनव थोड़ा सा और सोच के बोलो। नहीं है सुमित, सुमित वुड यू लाइक टू ट्राई, सुमित सिंह, सुमित रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। लीडरशिप
जो लीड वर्ड है इट इज अबाउट गाइडिंग समवन, या सपोज देयर इज अ ग्रुप, अगर सोसाइटी की बात आ रही है, सोशिएबल होने की बात आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कोई इंसान होगा आपके अलावा, देयर मे बी अ नंबर ऑफ पीपल अराउंड यू। जैसे हमारा क्लासरूम है, इट्स अ प्लेस वेयर 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम 40 डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कंडीशंस, फैमिलीज कम टूगेदर एंड स्टडी, ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि आप झगड़ा नहीं कर सकते, आपको छोड़ के जो बचे हुए 39 है उनसे सबसे आपके बहुत अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सोशिएबल होना होगा, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी तरह आपकी हेल्प करेगा। लीडरशिप क्या होगी कि सपोज ये जो 40 स्टूडेंट्स है, मान लो कोई सब्स्टिट्यूशन पीरियड है, ठीक है, आप ये मन हो रहा है कि सुबह से पढ़ रहे हैं, मे बी अगर ये पीरियड फ्री है हमें गेम्स मिल जाए तो हम इसको भी देख सकते हैं, तो क्या करेंगे? कोई एक स्टूडेंट होता है ना जो बोलता है कि सर सबका ये बन रहा है प्लान कि अगर गेम्स पीरियड मिल जाए हम लोगों को तो हम लोग थोड़ा खेल, तो यहां पे कहना सब चाहते हैं बट कह कोई एक रहा। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक खुद ही कोई अपने से बोल दे, या फिर सब लोग किसी एक उस लड़के को या लड़की को इशारा करते हैं कि जो हर बार हमेशा बात करता है, तो वो क्या होगा? लीडरशिप क्वालिटी होगी। व्हेन यू आर एट द फर्स्ट प्लेस या यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट और आपके पीछे पूरा ग्रुप हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? लीडरशिप स्किल्स। अब तुम कह रहे हैं कि लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच मेनी एम्प्लॉयर्स नाउ डिजायर इन स्टूडेंट्स, इवन स्कूल्स लुक एट स्टूडेंट्स लीडरशिप कैपेबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू एडमिटिंग प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले फुटबॉल मैच हुआ, यू ऑल वर देयर, ठीक है, तो हर हाउस का एक कैप्टन था ना, उसने अपनी टीम बनाई थी, वो डायरेक्शन दे रहा था कि कैसे क्या करना, ब्लू हाउस जीत गया था, इज इट? तो ये जो पूरा काम था ये किस क्या दिखाएगा, जो कैप्टन था उसकी लीडरशिप दिखाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या हो जाता है, मतलब कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इसको? पूनम, स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल,